सक्सेस लिव्स क्लू, इसका मतलब है सफलता निशान छोड़ती है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को जानिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, और आप उनके आइडिया को, उनके बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते जाए। ऐसा करने से आप भी वहीं पहुंचेंगे जहां पर वे लोग स्टैंड करते हैं। टोनी रॉबिन्स को माइंड ट्रेनर कहा जाता है, और उन्होंने 40 से ज्यादा देशों में 10 मिलियन से भी अधिक लोगों को इंस्पायर किया है। आइए इनके इंस्पिरेशन को जानते हैं। स्टेप वन, पीपुल आर नॉट लेजी, दे जस्ट हैव इंपॉर्टेंट गोल्स। वो कहते हैं लोग आलसी नहीं होते हैं, उनके गोल या तो बहुत छोटे होते हैं या उनके गोल ऐसे होते हैं जो उनको इंस्पायर नहीं करते हैं। स्टेप टू, राइज योर स्टैंडर्ड। अगर आप किसी फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहे हो या फिर कहीं पर आपकी इनकम कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस फील्ड में अपॉर्चुनिटी की कमी है या उस फील्ड में आपका किस्मत खराब है या आपके पास स्किल नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपने अपना स्टैंडर्ड नीचे सेट किया है। जब तक आप अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा नहीं उठाएंगे, तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी की अबंडेंस नहीं आ सकते हैं। इसीलिए अगर आप कभी भी किसी फील्ड में स्टेबल फील कर रहे हो, चाहे वो आपका करियर हो, हेल्थ हो, आपका रिलेशनशिप हो, इस कंडीशन में हमेशा आपको अपना स्टैंडर्ड को ऊंचा रखना है, और तब आप देखेंगे कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस गोल के लिए प्रयास करना शुरू कर देगी और आपका गोल जल्द ही रियलिटी में बदल जाएगी। स्टेप थ्री, मोस्ट पीपल्स आर फेल, बिकम मेजर इन माइनर एंड माइनर इन मेजर। हमारे लाइफ में दो तरह के काम होते हैं, एक इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा जिसकी अहमियत कम है। लेकिन लाइफ में जब जब हम जो काम करते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको अहमियत नहीं देते हैं, और जो काम कम इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लग जाते हैं, उस वक्त हमारा लाइफ एक फेलियर की तरफ जाने लगता है और उस समय हमारा सक्सेस हमेशा के लिए दफन होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास दो टॉपिक्स है, पहला जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को कम ध्यान देते हैं और कम अटेंशन देते हैं, और इसके अलावा वो टॉपिक्स जो कम इंपॉर्टेंट है उसमें ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो डेफिनेटली हमारा स्कोर कम आएगा। इसका सीधा मतलब है जो जितना इंपॉर्टेंट है उसको उतनी अहमियत देनी चाहिए। स्टेप फोर, द स्टोरी यू टेल योर सेल्फ स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट। जब भी हमारे साथ कोई इवेंट होता है, वो इवेंट नेचुरल है जो हमारे लाइफ में थोड़े समय के लिए ही आता है और फिर चला जाता है। लेकिन ये इवेंट जब भी हमारी लाइफ में आता है, तब हमारे माइंड उसके अराउंड एक स्टोरी फिगर बनाता है, और जब इस स्टोरी को सच मान लेते हैं तो उस समय हमारा डाउनफॉल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें कोई परेशानी आ रही है, लेकिन हम उसे लेकर कोई कहानी बनाएं कि हमारी किस्मत ही खराब है, जिस काम को मैं करता हूं उस काम में कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा दिमाग हमारे नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व कर लेगा और इसी तरह से हमारे नेगेटिव रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि चाहे हम किसी भी काम को कर रहे हैं या किसी भी परेशानी को फेस कर रहे हैं, उस समय हम अपने माइंड में कोई भी स्टोरी क्रिएट ना होने दें। आप धैर्य रखें कि जब अच्छा वक्त नहीं ठहरा तो बुरा वक्त कैसे ठहर सकता है। स्टेप फाइव, मोर रिजेक्शन यू गेट बेटर यू गेट। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सफल होना चाहते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर हम फेलियर को फेस नहीं करना चाहते हैं, हमें हमेशा रिजेक्शन का डर लगा रहता है। लेकिन एक रिसर्च में पाया गया है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें 33% लोग हमें गलत ठहराते हैं, हमें रिजेक्ट करते हैं और हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं, पर हमें
हमेशा अपने काम में ध्यान देना होगा। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें, फेलियर को एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। दोस्तों, आशा करता हूं कि टोनी रॉबिन्स के ये 5 मोटिवेशनल स्टेप्स को आप अपने जीवन में अमल करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।